press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. दिल्ली के मुख्य सचिव अंशु प्रकाश के साथ आपके विधायकों द्वारा थप्पड़ कांड ने केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। मारपीट के इस मामले में दिल्ली पुलिस शुक्रवार को साक्ष्य जुटाने के लिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास पर पहुंची। दिल्ली पुलिस ने यहां करीब 2 घंटे तक तलाशी ली। इस दौरान दिल्ली पुलिस ने 21 कैमरों के सीसीटीवी फुटेज को सीज किया। मुख्य सचिव से मारपीट के मामले में कर्मचारियों से पूछताछ के अलावा सीएम आवास पर सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले गए। पुलिस ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास से 21 कैमरों के सीसीटीवी फुटेज सीज किए हैं। इनमें 21 कैमरों की हार्ड डिस्क जब्त कर ली है और अब पुलिस इन फुटेज की जांच करेगी। उधर दिल्ली पुलिस के पहुंचने से पहले ही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सीएम हाउस से बाहर निकल गए। इस बीच अपने आवास पर दिल्ली पुलिस की छानबीन पर केजरीवाल ने ट्वीट करते हुए तंज कसा है। उन्होंने यह भी सवाल किया कि जज लोया के कत्ल के मामले में अमित शाह से पूछताछ कब होगी। उधर भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा का कहना है कि केजरीवाल गलत आरोप लगा रहे हैं। उनका यह भी कहना गलत है कि केंद्र सरकार केजरीवाल को काम नहीं करने दे रही। अरविंद केजरीवाल लगातार अपने अकर्मण्यता के कारण दिल्ली को ढकेलते जा रहे हैं। आज उसी संदर्भ में कुछ और विषय उभर के आए। अभी चंद मिनटों पहले आम आदमी पार्टी का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था। आम आदमी पार्टी ने उसमें यह आक्षेप लगाया था, जो कि वो अक्सर लगाती है, कि उन्हें काम करने का मौका नहीं दिया जा रहा, कि केंद्र जो है उन्हें काम करने नहीं दे रही। मैं आज अरविंद केजरीवाल जी से पूछता हूं कि अरविंद केजरीवाल जी, अगर आपको काम करने नहीं दिया जा रहा है, आपको काम करने से रोका जा रहा है, तो ये जो एडवर्टाइजमेंट आपने लगाए हुए हैं हर चौराहे पे, हर सड़क पे, कि बहुत काम हो रहा है, बहुत सारा काम आपने किया है, क्या ये कोई एड स्कैम है? क्या होर्डिंग और पोस्टर मात्र छपवाने के लिए ये सब आपने काम किया हुआ? गौरतलब है कि मुख्य सचिव अंशु प्रकाश ने आम आदमी पार्टी के 2 विधायकों अमानतुल्ला खान और प्रकाश जरवाल पर मुख्यमंत्री आवास में सोमवार रात उनके साथ मारपीट करने के आरोप लगाए थे। इस दौरान मुख्यमंत्री भी मौजूद थे। अंशु प्रकाश को आपात बैठक के लिए बुलाया गया था।